हेलो अरविंद क्या हाल चाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हेलो हेलो हेल्लो जी फटाफट आ जाइए स्टार्टेड हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सात बजे उठ गए हां जी आज की क्लास में बायोटेक वन और बायोटेक टू दोनों हो जाएगा कंप्लीट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो फटाफट आ जाओ एंड वी विल गेट स्टार्टेड तो हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी टू करेंगे और टोटल टोटल अगर बात करोगे तो इससे चार क्वेश्चन आते हैं मतलब आज हम सिक्सटीन मार्क्स इंश्योर कर लेंगे है ना सिक्सटीन मार्क्स इंश्योर कर लेंगे बिल्कुल डीप डाइव करेंगे एनसीआरटी में कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करेंगे और कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा दोनों चैप्टर ठीक है जितने भी इसके कॉन्सेप्ट भी हैं ये इसी में हम निपटा देंगे ठीक है क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन पे और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आनंद अंडर स्कोर मनी वन से, ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें चलें शुरू करें बेटा शुरू करें शुरू करें एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए स्टार्ट कर हैं बहुत बेहतर तो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो बायोटेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होता है बायोटेक्नोलॉजी में तुम कंफ्यूज हो जाते हो क्लो, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है 322 क्या होता है रिकॉग्निशन साइट क्या होता है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करती है ना तो हम सबको करते बढ़िया बढ़िया करते हैं बड़ा आसान सा सवाल से ई एफ वी स्टैंड फॉर तो हमने पढ़ा था ई एफ बी क्या चीज के लिए स्टैंड करता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो बायोस्पेयर हो नहीं हो बट बायोटेक्नोलॉजी तो है ठीक है अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी इट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है तो क्या बोलता था द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस है ना फॉर इट्स सेल सेल का पार्ट उसका मोलिकुलर एनालॉग जिसमें हम चेंज करते हैं फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो उसको हम कहते हैं ई एफ बी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी है ठीक है इट इज नॉट बायोलॉजी इट इज बायोटेक्नोलॉजी चलिए टू कोर विद दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर तो दो टेक्नोलॉजी क्या क्या था बेटा तो दो काम हम करते थे एक बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करते थे और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग करते थे जेनेटिक so, इंजीनियरिंग में क्या करते थे टेक्निक्स टू द जेनेटिक दटीरियल और बायो प्रोसेसिंग में जो ये पूरा प्रोसेस है इसका क्वालिटी चेक ये सब कुछ इसमें आ जाता था बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में ठीक है बायोटेक्नोलॉजी चलिए टेक्निक्स टू यूज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ किसकेट तो जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल क्या है आर आरएनए और डीएनए तो हम आर और डीएनए को ऑल्टर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में है ना जेनेटिक मटेरियल मटीरियल आर हम किसको अल्टर कर रहे हैं और डीएनए को ऑल्टर कर रहे हैं राइट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन मेंटेन कैसा 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 प्रोसेस मेंटेन करना होगा ठीक है तो हमको भैया माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट भी है और स्टेराइल इन्वायरमेंट भी है दोनों एक ही चीज है ठीक है तो आंसर हो गया डी है ना माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट या स्टेराइल इन्वायरमेंट आंसर हो गया डी राइट चलिए अगला यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप इज नेचुरली प्रोवाइडेड बाय इज नैचुरली प्रोवाइडेड बाय नेचुरली पूछ रहा है नेचुरली वेरिएशन कहां से होता है नेचुरली वेरिएशन होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्यों क्योंकि फॉर्मेशन में इन्वॉल्व तो इससे क्या होगा वेरिएशन होगा बायोटेक्नोलॉजी तो तुम यूज करते हो ना दिस इज नॉट नेचुरल दिस इज मैनमेड दिस इज मैनमेड है ना दिस इज मैनमेड तो आंसर क्या हो गया बेटा आंसर हो गया पहला चलिए ऑल जेनेटिक चेंजेस अकरिंग नेचुरली आर ऑल जेनेटिक चेंजेस अकरिंग नेचुरली आर नेचुरली नेचुरली तो सॉरी <coughs> हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मफुल ऑल जेनेटिक चेंजेस अकरिंग नेचुरली आर ऑल जेनेटिक चेंजेस अकरिंग नेचुरली आर तो कुछ जेनेटिक चेंज हार्मफुल होता है कुछ जेनेटिक चेंज हार्मफुल नहीं हो सकता है ना म्यूटेशन भी तो हो सकता है ना तो आंसर तुम्हारा डी हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रिजर्व बाय जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे प्रिजर्व होता है अगर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिखाना है तो अगर चेंज नहीं हो रहा है जेनेटिक मटीरियल में तो क्या होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देर इज नो वेरिएशन क्लोन बनता है ना देर इज नो वेरिएशन क्लोन का फॉर्मेशन बनता है तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है वेन पीस ऑफ डीएनए इज अ ट्रांसफर टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म क्या होगा एज इट इज एज इट इज क्या होगा एक पीस ऑफ डीएनए लिए उसको किसी एलियन सेल में डाल दिए तो क्या वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा नहीं जब तक वह होस्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा डायरेक्टली थोड़ी अब तुम आज करो मेरा जीन किसी कुत्ते के जीन में डाल दो तो थोड़ी मेरी तरह बायो पढ़ाने लग जाएगा है ना इट विल नॉट बी एबल टू रेप्लीकेट राइट जब तक हम उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया इट विल नॉट रेप्लीकेट आंसर विल बी बी ठीक है क्रोमोजोम रेप्लीकेशन कौन से फेज में होता है बेटा एस फेज में होता है कहां से शुरू होता है

ठीक है क्या बताता है ओरी साइड कितना कॉपी कितना कॉपी नंबर होगा और यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा की रेप्लीकेशन कहा आरएनए सीक्वेंस आरएनए सीक्वेंस में ओरी साइड नहीं होगा ना आरएनए में कहा से ओरी होगा बेटा है ना ये आरएनए दिया हुआ है तो ये गलत हो गया सब जगह आरएनए है ना यहां भी आरएनए एन ए दिया यह भी गलत हो गया आंसर डी हुआ चलिए फॉर एलियन डीएनए टू रेप्लीकेट इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ फॉर एलियन डीएनए टू रेप्लीकेट इट्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है प्लस ओरी साइट बिना ओरी साइट के ये डीएनए रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा बिना ओरी साइट के ये डीएनए रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा तो आंसर क्या होगा बेटा आंसर हो गया थ्री आंसर क्या हो गया आंसर हो गया प्लाजमिड क्या है बेटा प्लाज्मीड इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल उसके जो क्रोमोजोम्स से बाहर जेनेटिक मटेरियल? खुद से रेप्लीकेट कर सकता है सेल्फ रेप्लीकेट कर सकता है यह खुद से रेप्लीकेट कर सकता है सेल्फ रेप्लीकेट कर सकता है और क्या है और क्या कर सकता है ये ये यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है यह क्या करता है ये यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है तो यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है टू बैक्टीरियल सेल ठीक है तो क्या है बेटा ऑटोनॉमस और, और तो रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल नॉन ऑटोनोमस ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है ना तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ए Plasmid कैसा होता है सर्कुलर डीएनए है ना प्लाजमेट कैसा होता है सर्कुलर डीएनए होता है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता था है ना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोयर और स्पेंसर ने दिया था ठीक है सेलमोनेला टाइफीरियम ठीक है तो हर्बर्ट बोयर स्ट्रेलिकॉयन हर्बर्ट बोयर है ना इनटीन सेवेंटी टू स्टेनली को नर्बर्ट बोयर इन नाइनटीन सेवेंटी टू इंपॉर्टेंट आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ठीक है किसका सेलमोनेला टाइफीरियम सेलमोनेला टाइफीरियम ठीक ठीक है ठीक है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना तो बन ही नहीं सकता रेस्ट्रिक्शन के बिना तो रिकॉमिनेट डीएनए ही नहीं सकता तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी बात करेंगे पे, अभी बात नहीं किया नाइनटी 1992 लिखा है बेटा बी कैसे सेम है पढ़ने नहीं आता सुबह सुबह भसी आ सुपा, सुपा गया दिमाग द प्लाज्मेड लिंक्ड डीएनए प्लाज्मे डीएनए लिंक्ड विथ कट पीस ऑफ डीएनए प्लाज्मे डीएनए लिंक्ड विद कट पीस ऑफ डीएनए वेक्टर की तरह काम करेगा है ना वेक्टर की तरह काम करेगा और होस्ट में चला जाएगा ठीक है लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाजमिट इज डन बाय एंजाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाजमिट के साथ लिंक करोगे तो क्या कर, क्या करना पड़ेगा जोड़ना जोड़ने का काम क्या होता है डीएनए लाइगेज करता है अब देखो बेटा देखो देखो बेटा कौन कौन सा एंजाइम होता है देखो, पहला हो देखो दे सुनो पहला हो गया देखो ध्यान से सुनो पहला हो गया लाइजिंग एंजाइम जिसमें सेल्यूल आ गया काइटिनेज आ गया है ना जो सेलवाल को तोड़ेगा दूसरा हो गया क्लीविंग एंजाइम क्लीविंग एंजाइम मतलब क्या हुआ जो डीएनए को काटेगा तो कैसे काट सकता है या तो एक्सो न्यूक्लियस होगा और या तो एंडो न्यूक्लियस होगा ठीक है एंडो न्यूक्लियस का भी एक क्लास है जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काटेगा जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहेंगे अब ये रेस्ट्रिक्शन दो तरह का एंड दे सकता है या तो ये ब्लंट एंड देगा या तो ये या तो ये टिकी एंड देगा। ये काटता कहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे अगर मान लो एक तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन जाए इको आर वन तो ये काटेगा का जी ए ए टी टी सी और जी ए ए टी टी सी तो ये यहां पे काटेगा और यहां से काटेगा और स्टिकी एंड दे देगा है ना ठीक है अब सेम रेस्ट्रिक्शन इंजाइन से जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटो सेम रेस्ट्रिक्शन इंजाइन से वेक्टर को भी काटो और दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने के लिए हमको चाहिए डीएनए लाइगेज और दोनों को जब जोड़ दोगे तो मेरा रिकॉमिनंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा दोनों को जोड़ दोगे तो मेरा रिकॉमिनट डीएनए मॉलिक्यूल ठीक है, ठीक क्या सर जी अब तो अलग सर की भी शादी कर ली आप भी करो आप कब करोगे अच्छा हाँ बेटा सुबह सुबह सात बजे तो मेरे मेरी मौसी भी आ गई यहाँ पे अरे वाह बेटा शाबाश तुम कर लो तुमको इतना जल्दी हो रहा है तो है ना अलग सर का ही तो मैं इंतजार कर रहा था कि अलग सर कब करेंगे शादी तो मैं कर लूंगा है ना वही तो एक बॉटल लेक था मेरे जीवन में नमस्ते मोसे चलो तो द प्लाजमेड द प्लाजमेड ज्वाइंड विथ रिक्वायर्ड डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं टू बताया था ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ सेलमोनला टाइफीडियम ठीक ठीक अगला द की टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या चाहिए था आपको डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए था भाई अभी आपको हम बताए थे अभी हम आपको बता दिए थे क्या क्या चाहिए आपको है ना की टूल फॉर रिकॉम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस चाहिए बताया था चाहिए होगा और एक वेक्टर चाहिए होगा है है ना तो ये फॉर रिकॉम डीएनए टेक्नोलॉजी इन सिक्सटी थ्री टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वेयर आइसोलेटेड एनसीआरटी में ठीक है इन इक्वल आई दैट रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय क्या करते थे दो तरह का था दो तरह का था दो तरह का था तो क्या है भैया पहला तो एक डीएनए काटता था दूसरा ये क्या करता था मिथाइल ग्रुप ऐड करता था दोनों ऑप्शन सही है तो आंसर हो गया मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट पॉलीमरेज रेप्लिकेशन कैसे होगा अगर पॉलीमरेज नहीं होगा तो रेप्लिकेशन कैसे होगा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडो क्या था भैया हिंद टू इस पर सवाल आया हुआ है बोलो सर हिंद वन क्यों नहीं है हिंद वन इसलिए नहीं है कि हिंद वन इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन इंडो ठीक है इंजाइम होगा बात रेस्ट्रिक्शन इंडो नहीं है ये इस पर सवाल आया हुआ ठीक चलो अगला इको आर वन कम फ्रॉम स्टेरिया कोलाई तो स्पीसीज कोलाई है ना कोलाई देखो नाम ऐसे होगा ई e से स्टेरिया सी ओ से कोलाई आर से जो स्ट्रेन है दैट इज इज रफ स्ट्रेन और वन द ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन ये इसका नोम होता है तो ये जीनस नेम है ये स्पीसीज नेम है ये ऑर्डर ऑफ एक्सट्रे सॉरी ये स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कैसा स्ट्रेन है रफ है स्मूथ है और ये ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन

है ना ठीक द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्स है ना तो क्या भाई, भाई बात के थे फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस सेकेंड और थर्ड कम्स फ्रॉम पीसीज ठीक है तो फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम जीनस सेकेंड एंड सेकेंड टू फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल विच दे आर आइसोलेटेड है ना रेस्ट्रिक्शन इंडियो न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया में ही होगा ना और कहा होगा रोमन नंबर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना रोमन नंबर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन किस सीक्वेंस में आया था बता दिया आपको ठीक रेस्ट्रिक्शन इंडियो न्यूक्लियस क्लास किसका है रेस्ट्रिक्शन इन टाइम एंडोन्यूक्लियस का क्लास एक्सो न्यूक्लियस नहीं होता ठीक है क्लास ऑफ एंडो न्यूक्लियस अभी बताया था आपको ठीक एक्सो न्यूक्लियस कट्स डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन विद इन बी एन है तो एंड में काटेगा बीच में नहीं काटेगा ठीक है एक्सो न्यूक्लियस होगा तो एंड पे काटेगा बाहर से काट रहा है तो एक्सो न्यूक्लियस बीच से काट रहा है तो एंडो न्यूक्लियस तो एंड्स पे काट रहा है तो दैट इज एक्लियस चलिए रेस्ट्रिक्शन इन रिकॉग्नाइजेस कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनएंसाइड पैलिंड्रोमिक अच्छा स्पेलिंग का बस खेला है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए इको आरवन कट अभी मैंने दिखाया था तुम्हारे जी ए टी टी सी जी ए टी टी सी है ना अब कौन सा वाला है देखो सही कौन सा वाला है देखो सही तुम्हारा ठीक है ना? अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोम जी ए टी टी सी जी जी ए टी ए सी नहीं जी ए टी टी सी और जी ए टी the करेक्ट आंसर राइट सामने से भी सेम होगा पीछे से भी सेम होगा जैसे मतलब मान लो जी जी सी सी जी जी सी सी यह पैलिटिक हो सकता है ठीक है तो ये सब आगे से भी सेम होगा पीछे से भी सेम होगा ठीक है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ नीट दो हजार पंद्रह में सवाल आया था इको आरवी यह ब्लंट एंड देता है जब कट करोगे इको तो ब्लंट एंड देगा ठीक है रेस्ट्रिक्शन इन कट्स डीएनए रेस्ट्रिक्शन इन कट्स डीएनए क्या रेस्ट्रिक्शन इन कट्स डीएनए तो बिटवीन सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डीएनए सीक्वेंस बिल्कुल सही ठीक है सेम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम प्रोड्यूस सेम रेस्ट्रिक्शन प्रोड्यूसर्स करेगा तो सेम तरह का sticky produce करेगा. और दोनों जुट जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डी एन ए लाइफ तो यह देखो बेटा क्या किया हमने रेस्ट्रिक्शन इंजाइम को कट किया दोनों को सेम एंजाइम के साथ दोनों को जोड़ दिया आ, इसके साथ इसके साथ डीएनए और इसको हम डाल दिए बैक्टीरियल सेल में तो ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है दूसरा वेक्टर है ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेक्टर है ठीक है तो वेक्टर फॉरिन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक है वेक्टर फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएन ठीक है अब देख लो ये 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 टू है ये वन है और ये टू है देखो ये पहला ये टू है फिर थ्री मार्किंग देख लेना तो आंसर डी हो जाएगा अरे मार्किंग देखो ये वन है ये टू है है ना फिर ये थ्री है तो आंसर डी हो गई ठीक है ठीक है ना चलिए अगला द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस ले लेता है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ले लेता है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ठीक है ठीक है तो तीनों ऑप्शन सही है एक तरह से फॉरेन डीएनए और वेक्टर सेम नहीं होता क्या बेटा डीएनए हो सकता है मतलब दोनों दोनों फॉरेन डीएनए तुम्हारा वो हुआ जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली है ना कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक यहां तक कोई दिक्कत कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ चलो हाँ बढ़ आइए आगे बढ़ते हैं टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट साइज के हिसाब से तो हम प्रोसेस को कहते हैं जेलेक्ट्रोफोरिस याद रखेगा जिलेक्ट्रोफोरिस में क्या करते थे हम एन ए को साइज के हिसाब से सेपरेट करते थे देखो जिलेक्ट्रोफोरिस में क्या होता था? था हम क्या होगा एक एक प्लेट बना लेंगे इसमें हम सीविंग मटेरियल डाल देंगे जो मेरा एग्रोजेल होगा ठीक है तो यहाँ पे हम वेल्स बना देंगे एक वेल हो गया बी वेल हो गया सी वेल हो गया और डी वेल हो गया ठीक है यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं ठीक है और हमको जब हम इसके थ्रू डीएनए पास करेंगे तो हमको सबसे छोटा साइज का डीएनए ठीक है ये लेट से उससे थोड़ा बड़ा साइज का डीएनए ये येट से उससे भी थोड़ा बड़ा साइज का डीएनए ये लेट से उससे भी थोड़ा बड़ा साइज का डीएनए और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड डीएनए ठीक है तो ये पकड़ अनडाइजेस्टेड डीएनए ठीक है और ये स्मॉलर फ्रेगमेंट ये तुम्हारा एग्रोज तो होता क्या कि जब हम डीएनए फ्रैगमेंट को एक सीविंग मटेरियल के थ्रू एनोड लगा के पास कराते हैं ठीक तो है तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हमको ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं साइज ये दिखता कैसे है तो हम इथीडियम रोमाइट डालते हैं और अल्ट्रावाट लाइट जब हम डालते हैं तो डीएनए जो है ऑरेंज बैंड की तरह दिखता है डीएनए जो है ऑरेंज बैंड की तरह दिखता है ठीक है उसके बाद हम जेल पीस को कट करते हैं और सेपरेट करते हैं डीएनए तो कटिंग ऑफ जेल पीस जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन ठीक है तो ये आपको जेलेक्ट्रोफोसिस बता दिया डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज बताया आपको ठीक है इन जेलेक्ट्रोफेज डीएनए इज पोस्ट टूअर्ड्स एनोड है ना तो एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हम यहां पे नहीं कर रहे ठीक है, है? मैट्रिक्स यूज इज एग्रोजेल जो सीविंग मटेरियल है दैट इज एग्रोजेल या नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स तो आंसर हो गया डी आंसर हो गया डी वैसे अब एग्रोजेल ज्यादा एप्ट आंसर है ठीक है एग्रोजेल वैसे ज्यादा एप्ट आंसर है ठीक है तो बी ही मार्क कर दो वैसे एनसीईआरटी साफ-साफ एग्रोजेल भी बोलती है तो बी ही मार्क कर दो ठीक चल इथिडियम ब्रोमाइड आर यूज्ड टू स्टेन बिकॉज़ डीएनए इज नॉट विजिबल विदाउट Staining है ना बिकॉज़ स्टेनिंग ठीक है ठीक है हैल्ट्रावायलेट लाइट विजिबल लाइट पे नहीं दिखेगा ठीक है कौन सा कलर देगा ऑरेंज बैंड देगा कौन सा कलर देगा ऑरेंज बैंड देगा ऑरेंज बैंड एनसीआरटी में दिया हुआ है क्या ये नेचुरल पॉलीमर दिया हुआ है क्या ये वाला एक बार देख लेना इसको थर्टी एट वाले को ना एनसीआरटी से अगर दोनों दिया है तो डी मार कर देना नहीं तो बी मार कर देना ठीक है तो इसका डाल दो आंसर बी और डी है ना चेक एनसीआरटी अगर दोनों लिखा होगा तो यह डाल देना ठीक है थीके? एक्सट्रेक्शन एंड सेपरेशन बैंड फ्रॉ एग्रोजल इसको इल्यूशन कहते हैं ठीक है ठीक है इसको हम इल्यूजन कहते हैं इसको हम इल्यूजन कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक अगला तो यहां पर देखो यह स्मॉल फ्रेगमेंट होगा ये लार्ज फ्रेगमेंट होगा और ये वेल्स होंगे जहां पे हम जेनेटिक मटेरियल डाल रहे हैं ठीक है तो वेल्स लार्जेस्ट डीएनए बैंड और स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड है ना वेल्स लार्जेस्ट डीएनए बैंड और स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड अगला अब आओ वैक्टर की बात करें अगला कॉन्सेप्ट है वेक्टर इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत बेसिक बेसिक था तो तुमने कर लिया अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना अभी तुमको यहाँ पे आ, क्लोनिंग वगैरह सब समझाएंगे ठीक है तो प्लाजमेट इन बैक्टीरियल सेल रेप्लीकेट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए याद रखिएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए इसका अपना ओर साइट होता है सब कुछ इसका अपना होता है राइट बैक्टीरियो फेज रेप्लीट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गेजम रेप्लीकेट इन साइड बैक्टीरियल सेल कंट्रोल बाई क्रोम्लीकेट इन साइड बैक्टीरियल सेल ऑटोनोमसली अगेन भी वेक्टर है बट ये अपने से आता है रेप्लीकेट करता है है ना अच्छा कौन कौन से बैक्टीरियल वैक्टर्स हम यूज करते हैं बेटा प्लाज्मेड है, है बैक्टीरियो फेज लैमडा है जमेड है बैक है और यक है ये सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट इंसर्ट साइज ठीक है और इसका सबसे छोटा होता है स्मॉलेस्ट इंसर्ट साइज ठीक है ये अप अपू जीरो और इसका होता है थाउजेंड भी सबसे ज्यादा बड़ा ठीक है ठीक है बहुत बड़ो बहुत बड़ा, हाँ चल ठीक है कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक तो बैक्टीरियो फेस इन बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर बैक्टीरियो भी तुम्हारा वेक्टर की तरह ही काम करेगा अब ये देखो यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है बहुत 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 बहुत, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना ठीक है एच देखो और इसको मार करो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई बैम एच वन फ्रॉम गिवेन फिगर तो यहां पे होता है ना ये है तुम्हारा बैम एच वन ठीक है राइट right. और यहां पे एस एल वन भी होता है एस एल वन भी होता <स्थिए> राइट ये ओरिसाइट हो जाएगा यह तुम्हारा आर ओ पी हो जाएगा ठीक है यह तुम्हारा एमपेसिलीन रेजिस्टेंस हो जाएगा यह तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो जाएगा ये तुम्हारा इको आर वन हो जाएगा यह तुम्हारा सीएलए वन हो जाएगा ठीक है

आइडेंटिफाईको आर वन इन द्लाज्मेट इको आर वन आइडेंटिफाई को प्लाज्मेट आइडेंटिफाई को प्लाज्मेट ये दो नंबर वाला है ना तो ये बी होगा ठीक है आइडेंटिफाई ईको आर वन इन द प्लाजमेट कौन सा सॉरी oh, ये ना सी एल सीए आर वन और ये सी एल ठीक है ये वाला हो ठीक है ए एन बी इन द फिगर आर ए एन बी एम्पेसिलीन रेजिस्टर बी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिटिन जीन है एम्पेसिलीन रेजिस्टर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ठीक आरओपी कोड्स फॉर वन एंड शोन इन फिगर बाय टू आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन इनवॉल्व इन आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड इज शोड बाय फिगर इन द फिगर बाय आरोपी कौन सा है आरोपी डी एंड इन सोन इन द फिगर बाय डी प्रोटीन से फिगर बाय ओरी इज ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओरी इज ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन सी से दिखा रहा है नंबर कॉपी नंबर बताएगा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन और कॉपी नंबर बताएगा ठीक है पीवी टू PST1 और PVU2 होता है है ना PST1 और PVU टू होता है यहां पे तुम्हारा PVU और ये PST1 होगा ठीक है और ये सेल वन होगा और सेल ठीक है तो आरोपी साइड पे होता है तुम्हारा पीवीयू टू इस पर सवाल आएगा ही आएगा बेटा तो ये देख लेना कौन सा था कौन सा था ठीक है यहां तक कोई दिक्कत विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एनी पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओरिजिन विल बी रेप्लीकेटेड बिल्कुल सही ओरी प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा सेल्फ रेप्लीकेटिंग बनाएगा ट्रांसफॉर्मेंट इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेंट क्या इंक्लूड करेगा ट्रांसफॉर्मेंट से तो यह सब ट्रांसफॉर्मेंट transformant है ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गया बेटा ट्रांसफॉर्मेंट देखो अब देखो दो चीज होता है देखो देखो नो ट्रांसफॉर्मेंट होता है एक ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुआ जिसमें जिसने टेकन अप द जेनेटिक मटेरियल जिसने टेकन अप द जेनेटिक मटेरियल या जो फॉरेन मटेरियल जिसने लिया उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं 54 का डी होगा 54 क्यों बेटा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कॉपीज अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है थी. 54 का नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कॉपीज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिकग्निशन साइट नहीं है बेटा इट इज द अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओरी साइट ठीक है वेक्टर शुड नॉट बी चोजेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपी इट शुड बी ठीक है ये भी गलत है तो आंसर तो ए तो ही होगा 54 का ए होगा बेटा बी नहीं होगा अरे बेटा कंट्रोल ऑफ साइट है नहीं है कंट्रोल ऑफ ओरी साइट है ये गलत है एनसीआरटी बड़ो ढंग से एनसीआरटी ढंग से पढ़िए है सही है ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल ले लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट है जो नहीं लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है दैट so, ट्रांसफॉर्मेंट है और जो नहीं है ठीक है जो नहीं लिया नहीं है तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा वो ट्रांसफॉर्मेंट और जो नहीं शो करेगा वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होगा जिसके पास प्लाज्मिड है वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुए ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुए कि सेल्स विच ए पिक्ड वेक्टर विथ फॉरन डीएनए लाइगेटेड टू इट ठीक है

होगा रिकॉम्बिनेंट में फॉरन डीएनए लाइगेटेड होगा तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट निकालते हैं और उसके बाद फिर हम रिकॉम्बिनेंट निकालते हैं बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है इज ट्रू अबाउट एंड ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है ऑल रिकॉम्बिनेंट आर ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है ऑल रिकॉम्बिनेंट आर ट्रांसफॉर्मेंट बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट आर नॉन रिकॉमिनेट ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है देखो देखो सबसे पहले क्या किए तुम सेल लिए अब सेल या तो ट्रांसफॉर्मेंट है या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ जिसके पास फॉरेन डीएनए है मतलब ठीक है और जिसके पास नो फॉरेन डीएनए तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है तो हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फेंक देते हैं अब इसके पास अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो रिकॉमिनेंट है अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो हम रिकॉम्बिनेंट को रखेंगे नॉन रिकॉमिनेंट को फेक देख कैसे करते हैं ये हम एंटीबायोटिक मीडियम में इसको ग्रो करते हैं ठीक है कोई दिक्कत नॉर्मल इक्वलाइज सेल्स नॉर्मल इकोलाई सेल्स नॉर्मल इकोलाई सेल में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है एनलेस हम उसको इनकर करते हैं जब तक उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है तब तक उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा है ना तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नॉर्मल सेल में नहीं होगा अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो दे विल शो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेंट विल शो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस Mm -hmm. will show antibiotic resistance ठीक है अगला in order to link alien DNA vector needs to have vector needs to have alien DNA के साथ अगर link करना है तो कितने recognition site होने चाहिए मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए एक रिकॉग्निशन साइट से तो फिर दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन साइट भी नहीं होने चाहिए है ना तो क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए एन सी लाइन एक बार देखोगे बायोटेक्नोलॉजी एनसीआरटी रुको पेज नंबर वन नाइनटी नाइन दोनों यार फ्यू और सिंगल दोनों होना चाहिए देखो देखो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए पहला क्लोनिंग साइड का पहला वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल दोनों ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है तो आंसर हो गया मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट डी ठीक है ध्यान से देखो एनसीआर लिखा हुआ है, ठीक है ठीक वेक्टर शुड हैव मेनी रिकोगट्स फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन इन

और फ्यू होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा तो दोनों गलत है ठीक इफ अ फॉरेन जीन इज लाइगेटेड टू बैम एच वन साइड बैम एच वन है तो इट विल लूज इज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन ठीक है ठीक है द रिकॉमिनेंट मैं प्रीवियस क्वेश्चन नॉन रिकॉमेंट बाय तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट डालते हैं ठीक है उसके बाद हम रिकॉमिनेंट डालते हैं तो हम किसको ट्रांसफॉर्मेंट को किस में डालेंगे पहले एम्पीसिलीन के मीडियम में ग्रो करते हैं और बाद में टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो करते हैं तो जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर जाएगा वो रिकॉमिनेंट है जो जिंदा बच गया वो नॉन है रिकॉम्बिनेट मैंशन इन इफ ए फॉरन जीन इज लाइकेटेड एट बैम एच वन साइड ऑफ वेक्टर विल ग्रो इन एम्पिसन मीडियम एंड टेट्रासाइक्न मीडियम में मर जाएगा तो विल ग्रो इन एम्पिस मीडियम और टेट्रा साइक्लिन के मीडियम में मर जाएगा ठीक है अगला नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मिल नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम बट एमपी में नहीं ग्रो करेगा ठीक है ग्रो इन मीडियम बट एमपी में ग्रो नहीं करेगा ओ सॉरी 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 दोनों में ग्रो करेगा ना दोनों का ट्वेंटी फाइव ए होगा सॉरी सुनो ध्यान से सुनो, देखो देखो क्या होता है देखो देखो, देखो। क्लोनिंग साइड की बात करते पहले ठीक है सुनो ध्यान से और सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते ठीक है।, है देखो सुनो 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 हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाले और वेक्टर को हम होस्ट में डालते तो सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करते हैं ठीक अब ये ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ ये ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ ट्रांसफॉर्मेंट वो हुआ जो ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करेगा किसके लिए बोथ बोथ एम्पी सिलीन एंड टेट्रासाइक्लिन तो दोनों मीडियम में जिंदा रहेगा जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये दोनों मीडियम में जिंदा रहेगा ठीक है अब इसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो अब क्या होगा मान लो कि मैंने बैम एच वन से कट किया ठीक है और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा रिकॉमिनेट है जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो मेरा नॉन रिकॉमिनेट है वो मेरा नॉन रिकॉमिनेंट है तो जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस शो करेगा एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस ये भी शो करेगा और एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस ये भी शो करेगा तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ डिफरेंशिएटर क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन टेट्रा रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ठीक है सॉरी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है इट विल शो रेजिस्टेंस टू बोथ एंड एम्पीसिलीन एंड जो ट्रांसफॉर्मेंट है इट विल ओनली शो रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन क्लियर है <coughs> तो यहां आ गया तो इट ग्रोज इन बोथ एम्पीसिलीन एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम समझ में आया समझ में एक बार अंगूठा दिखाओ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल किसी भी मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा इट विल नॉट ग्रो इन

अच्छा नहीं नहीं अगर है तो देखो इनएक्टिवेशन देखो इनएक्टिवेशन देखो ऑफ बीटा गैलेक्ट्रोसाइडेस तो हम क्या यूज करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्टेट यूज करते हैं जेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं क्या कहते हैं इस प्रोमोजिंग सब्सटेंस को इसको हम कहते हैं एक्स गैल ठीक है अब मान लो कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बन रहा तो कलरलेस कॉलोनी होगा और अगर बीटा इलेक्ट्रोसाइड बन रहा है तो ब्लू कॉलोनी होगा तो ब्लू कॉलोनी होगा तो क्या होगा तो वेन रिकॉमिनेट से वो बीटा इलेक्ट्रोसाइड तो इंजाइम नहीं बनता तो इंजाइम नहीं बन रहा तो कौन सा कॉलोनी कौल, कौल, होगा कलरलेस कॉलोनी इज प्रोड्यूस है ना ठीक है 65 क्या 65 है भाई ठीक तो सिक्सटी फाइव ठीक जी भाई लेंगे हो हट चलिए ठीक है देखो एन सी आर टी इन पढ़ लो एनसीआरटी का पेज नंबर टू हंड्रेड ठीक है तो क्या बोल रहा है देखो इन दिसम्बिनेट डी एन इज इंस विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ इंजाइम बीटाइल है दिस रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द जी फॉर सिंथेसिस डॉट है तो ब्लू कलर का कॉलोनी है और अगर इंसट है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर ठीक टीआई प्लास्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिकेंस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिकेंस ठीक है ये वेक्टर किस तरह काम करता है फॉर हायर पार्ट चलिए द टीआई प्लास्मिड इज यूज़ फॉर द टीआई प्लास्मिड बीइंग यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर इज नॉन पैथोजेनिक ऑबवियसली इट इज नॉन पैथोजेनिक ठीक है हम क्या होता है इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है उसको हटा देता है हुँ? अरे चेक कर लिए चलिए डीएनए इज अब आते हैं कॉम्पिटेंट होस की बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस की बात करते हैं ठीक है डीएनए इज हाइड्रोफिलिक And can pass through cell membrane and can pass through cell membrane. Page number 200. Dekho. Page number 200. Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane. Sorry, cannot pass. No?

आर मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग इट विथ कैल्सियम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं इसे ट्रांसजेंडपोर है ना ठीक, ठीक है ठीक है चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलो टू इनेबल बैक्टीरिया टेकअप द रिकॉमिनेंट डीएनए ठीक है ठीक है करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस अब देखो यहां पे इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है यहां पे देखो कॉम्पिटेंट में जाओ ठीक है तो क्या कहता है दिस इज डन बाई ट्रीटिंग विथ अ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डायवेलेंट कटाइन सबसे पहला ठीक है तो पहला डायवेलेंट कटैन है जैसे कैल्शियम ठीक है विच इंक्रीज द डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू बोर रिकॉमिनेट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम डीएनएस उसके बाद आइस पे रखे और उसके बाद उसको हीट शॉक दिए तो सीक्वेंस ऐसा होगा 42 डिग्री सेल्सियस तो आंसर क्या होगा वन फिर टू और उसके फिर थ्री तो सीक्वेंस देख लो तो वन थ्री और टू आंसर हो गया बी वन टू थ्री नहीं है बेटा वन थ्री और टू इस सीक्वेंस में है ना पहला ये है दूसरा ये और तीसरा ये फिर इसको गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करो अगला अदर मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इनटू होस्ट आर माइक्रो इंजेक्शन है एनिमल सेल के लिए बिल्कुल सही न्यूक्लियस में डालते हैं जीन गन है प्लांट के लिए ठीक है और डिसआर्मड पैथोजन बिल्कुल पैथोजन से भी होता आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस इन माइक्रो इंजेक्शन यानी इज इंक्लूडेड इनटू द न्यूक्लियस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डालते हैं ठीक इन बायोलेस्टिक दे आर बॉम्बार्डेड बाय माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन से माइक्रो पार्टिकल गोल्ड एंड टंगस्टन ये तुम्हारा प्लांट सेल के लिए होता है ये तुम्हारा प्लांट सेल के लिए होता है अगला अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ठीक है तो बताओ भैया कैसे कैसे हम क्या करेंगे कैसे कैसे सीक्वेंस में हम करेंगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन तो अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले हमने डीएनए का आइसोलेशन किया ठीक है उसके बाद डीएनए को छोटे साइज में हमने थोड़ा फ्रेगमेंटेशन किया निकाला ठीक है उसके बाद इस डिजायर डीएनए को हमने वेक्टर के साथ लाइगेट किया इस डिजायर डीएनए को हमने वेक्टर के साथ लाइगेट किया तो मेरा जीनो ऑफ इंटरेस्ट आ गया ठीक है उसके बाद हम इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे उसके बाद होस्ट से हम क्या करेंगे होस्ट को कल्चर मीडिया में डालेंगे और उसके बाद हम डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बाद हम डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट निकालेंगे है ना इसमें एम्प्लीकेशन नहीं दिया है तीसरा स्टेप हो जाएगा एम्प्लीकेशन ठीक है आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन uh, फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन उसके बाद तुम्हारा आ, होस्ट में डालो या वैक्टरलेस डालो और उसके बाद वेक्टर के साथ होस्ट में डालो या वैक्टरलेस डालो और उसके बाद डिजायर जी प्रोडक्ट ठीक न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लिक एसिड सबका ही है ना ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सप्रेस हाउ मेनी ऑफ द गिवन एंजाइम्स आर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हाउ मेनी ऑफ द गिवन गि इनजाइम्स इन्वॉल्व ऑफ़ जुनेटिक मेटीरियल सेल्यूल चाहिए हमको अगर प्लांट सेल है सेल ऑफ ऑर्गेनिज़ कौन सा ऑर्गेनिजम ये नहीं लिखा है कौन सा ऑर्गेनिजम नहीं लिखा है प्लांट सेल के लिए सेल्यूल होगा ठीक है फंगल सेल के लिए काइटिनेज होगा बैक्टीरियल सेल के लिए लाइजोजाइम होगा ठीक है ये प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीनेस चाहिए और आरएनए हटाने के लिए यह चाहिए इसको हम चिल्ड एथेनॉल में डालते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डीएनए तो आंसर हो गया एक दो तीन चार पांच ठीक है सेल्यूलेज प्लांट काइटिनेज और लाइजोजाइम बैक्टीरिया बहुत बार किया हमने प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ़ चिल्ड इथेनॉल है ना चिल्ड इथेनॉल प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग जिससे हमको डीएनए थ्रेड मिल जाता है तो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग स्पूलिंग लेकर मस्त स्पूनिंग पता क्या होता है तुम लोग हाँ पता कैसे नहीं होगा वो तो वही गजा है तुम लोग ठीक है चलिए अगला कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन सॉल्यूशन तो है नहीं डिजोल्व तो कर नहीं रहा प्रेसिपिटेट हो रहा है तो सस्पेंशन है ना तो प्रेसिपिटेट हो रहा है है ना तो सस्पेंशन होगा सॉल्यूशन नहीं होगा ठीक है चलिए अगला टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम डाइजेशन चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम डाइजेशन तो क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं चलिए प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन ए इंजाइम्स कौन सा इंजाइम्स होगा इन्वॉल्व इंजाइम्स पूछ रहा है ना इंजाइम तो एक ही हो गया ना इंजाइम तो इंजाइम्स पूछ रहा है जीनो फिंट इंजाइम थोड़ी इंजाइम थोड़ी है तो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंजाइम होगा वैसे अगर सब कुछ पूछता तो सबका जरूरत है ना बट इंजाइम तो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है ना बाकी तो आपको वो चाहिए लाइगेज चाहिए ये वगैरह वगैरह तो ठीक है जीनो फिंट्रेस तो वैक्टर डी चाहिए बट दीज आर नॉट इंजाइम दीज आर नॉट इंजाइम ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी म्यूलियस ने दिया था ठीक है जो ट्यूब में किया था एपेंडेर ट्यूब कहते हैं तीन स्टेप था इसका डी नेचुरेशन एनीलिंग और एक्सटेंशन डी नेचुरेशन एनीलिंग और एक्स

अरे डी दी होगा रीजन बताया ना बेटा डीजन नॉट इंजाइम इसलिए डी नहीं दिया ठीक है इंजाइम से लिखा हुआ है ना थोड़ी है इंजाइम लिखा बेटा वो देखो लॉजिक तो मैंने बता दिया ना क्यों होगा तो क्यों बहस करते हैं उनसे पीसीआर पीसीआर क्या होता है भैया इट इज एन विट्रो प्रोसेस आउटसाइड सेल हो रहा है ना कहाँ पॉलीमरेज नहीं है ऑप्शन अच्छा पॉली न्यूक्लियस लिखा है पॉली इसको पॉलीमरेज कर दो पॉलीमरेज कर दो ठीक है ठीक है पॉलिन अच्छा अच्छा वैसे कह रहा हूँ ना नन ऑफ डीज होगा ठीक है ठीक है डी हो जाएगा डी हो जाएगा अच्छा इस ऑप्शन का कह रहा हूँ डी हाँ ठीक है ठीक है डी हो जाएगा ली रिएक्शन देखा नहीं मैंने ना पॉलीमरेज मरेज चेंडन पॉली मरेज चेंडन ठीक है सर अब ठीक है चलिए अगला हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्राइमर आर यूज इन पीसीआर दो है ना देखो ऐसे दोनों साइड यूज करते हैं यहां पे भी यहां पे भी तो अगर मान लो थ्री फाइव है तो ये इधर हो गया और ये पकड़ लो फाइव थ्री है तो ये इधर हो गया तो दो सेट ऑफ प्राइमर यूज करते करतेम यूज पॉलीमरेज इज डीएनए पॉलीमरेज होता है इसको हम टैग पॉलीमरेज करते हैं थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है ठीक है। बैसिलस थर्मस एक्विटिकस नॉन ऑफ दिस ठीक है बैसिलस बैक्टीरिया होता है बैसिलस थर्मस एक्विटिकस हाँ। चल डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन कोई दिक्कत यहां त कोई दिक्कत यहां तक चल आगे अब आते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम डीएनए टू होस्ट कैसे जा रहा है <coughs> सॉरी आओ हाँ क्या है भैया एम्पी सिलिंग जीन इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर ठीक है सच इक्लाइग्रोन एम्पी सिलिंग कंटेनिंग प्लेट ठीक ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहा है ठीक प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट हेट्रोलोगस होस्ट तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है ना ठीक इन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम कंटिन्यूअस कल्चर दो तरह का होता है बैच फॉर्मेंटेशन और कंटिन्यूस तो कंटिन्यूअस में क्या होता है एक तरफ से डाल रहे हैं एक तरफ से निकाल रहे हैं ठीक है ठीके? तो भैया क्या है यूज मीडियम इज कंटिन्यूसली ड्रेंड आउट बायोरिएक्टिव है लार्ज वेसल्स ठीक है डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए सारा ही डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इंक्लूड्स प्यूरिफिकेशन भी होता है और सेपरेशन और भी होता है ेशन नीड क्लिनिकल ट्रायर कंट्रोल एंड क्वालिटी टेस्टिंग आर स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट प्रिजर्वेटिव एड करते हैं ठीक है अगर कुछ है केमिकल ट्रायल्स भी कराते हैं क्वालिटी कंट्रोल भी यूनिफॉर्म होता है तीनों हो सही है अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है जीरो ही होगा ना देखो डाउन सीमिंग प्रोसेस पढ़ो 205 सौ पांच द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव ठीक है ठीक सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्रीनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग दे नीड क्रीनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग ठीक है ठीक क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अब इसको कैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अच्छा ये वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दिस वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो आंसर बी हो गया है ना इट विल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल हर का हुआ ठीक है यही होता है देखो एनसीआरटी कैसे घुसा के क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली exactly. ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ इंक्लूड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ इंक्लूड तो क्या क्या होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए पीएच बिल्कुल सॉल्ट बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल वाइटामिन बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल <coughs> चल ठीक है देखो ये स्पाश है और ये सिंपल स्टेट टैंक ठीक है ये स्पाश टैंक और ये सिंपल स्टेट टैंक है तो सिंपल अच्छा ये देखो ये हम्म ठीक है तो सिंपल स्टेट टैंक और तुम्हारा स्पाज स्टेट टैंक वन और टू कैन चार्टी लिखती है डेफिनेशन ए सिंपल स्टेट टैंक बी ये तो ये स्पास्ट है स्टेट टैंक बायोरिएक्टर यार दिया ही नहीं एक भी यहां एक भी नहीं दिया तो वही होगा डी कर दो पांचवा सिंपल नाइन्टी एट यह मोटर है जो घुमाएगा ये इंपेलर है जो घुमाएगा ब्लेड कल्चर ब्रॉथ आएगा तो वन टू थ्री वन टू कल्चर ब्रॉथ मोटर कल्चर ब्रॉथ और स्टेराइल पहला ठीक है ठीक सैंपलिंग पोर्ट है मेनली रिक्वायर्ड टू सैंपलिंग पोर्ट्स आर सैंपलिंग पोर्ट क्यों चाहिए सैंपलिंग पोर्ट्स आर मेनली रिक्वायर्ड टू विड्रॉ स्मॉल वॉल्यूम खर्चे ताकि हम रेगुलर इंटरवल पे चेक करते ठीक रहेगा एयर बबल क्या करेगा एयर बबल जो है इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ठीक है स्पास्ड में एयर ज्यादा होगा तो स्पास्ड टैंक ज्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट है ना एज कंपेयर टू सिंपल स्टेट टैंक ठीक है तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया अगर तुमको कोई भी इसमें कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है अगला चैप्टर पर आता है बायोटेनलॉजी एप्लीकेशन ठीक है ये तो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है तो इसके क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आओ फटाफट बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विथ क्या क्या चीज के जिसके लिए डील करता है सब कुछ जेनेटिक माइक्रोब्स और ये दोनों चीज आ जाएगा ईजी है विच आर द फॉलो इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोजी नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोजी कन्वेंशनल हाइब्रेडेशन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है ठीक है एप्लीकेशन ऑफ बायो रेमिडेशन बायो रेमिडेशन जैसे था सीडोमोनास पुटीडा ऑयल स्पील्स के लिए ठीक है प्रोसेस फूड थेरोपेटिक्स एंड इस डायग्नोस्टिक रिलेटेड टू बायोटेक्लॉजी ऑब्वियसली ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ठीक है डैस इज ए क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्रिटिकल रिसर्च एरिया सभी सब कुछ है ना ये सब बायोटेक्नोलॉजी काोडक्शन नॉट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता ऐसा कि मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे तो फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा नॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनिक यार वैसे तो फूड प्रोडक्शन के कितना सब के न नहीं होगा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं होगा वैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फूड प्रोडक्शन कम होता है सिर्फ ऑर्गेनिक यूज करोगे तो ठीक है तो डी कर लो वैसे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन यही होगा ना यहां पे agrochemicals आर नॉट यूज आर नॉट यूज सब कुछ होगा राइट चल प्लांट बैक्टीरिया फंगा इन एनिमल हैव मैन्युपुलेशन ऑल्टर्ड बाय मैन्युपुलेशन ऑल्टर्ड बाय मैन्युपुलेशन जीएमओ गोल्डन राइस वाइटमिन ए इन राइस है ना वाइटमिन ए इनरिस्ट राइस बैसिलस थोरिन बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता था ना बैसलेस थ्री इंसेक्टाइडल टॉक्सिन था ठीक है जो एल्केलाइन गट ऑफ इंसेक्ट में जाता था और उसमें परफोलेशन कॉज करता था क्या होता है इंसेक्टिसाइड है और डिजीज रेजिस्टेंट या, या, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट है ना इंसेक्टाइडल टॉक्सिन है ठीक है क्राइजीन के कारण होता था ना मतलब क्रिस्टल विचार द फॉलोइंग मॉडिफाइड यूजिंग सब है ना बीटी बीटी सारा बीटी कर दिए थे हम फॉलोइंग इज बीइंग ग्रोन बाय इंडियन बाय फार्मर्स एज बीटी क्रॉप कॉटन है ना बीटी कॉटन बाइ इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांजीनिक कॉटन हैज बिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर फ्रॉम बी टी बैसे बैक्टीरियम चलिए ना क्राइजीन डाले थे ठीक है समस्टेंस ऑफ बैसे प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल डिथरेंस तीनों कोलियोट्रेंस एग्जाम्पल ऑफ आया में लिखा हुआ है सब कुछ एनसीआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ बीटल में आ गया ठीक बैचलेस थोर फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल दैट कंटेन्स अ टॉक्सिक इंटेक्स इंसेक्टाइडल प्रोटीन टॉक्सिक इंसेक्टाइडल प्रोटीन वाइड बीटी कॉटन प्रोटीन क्रिस्टल डू नॉट किलिकॉज इन एक्टिव फॉर्म में होता है इट इज प्रोटॉक्सिन होता है एक्टिव ये इंसेक्ट के एल्केलाइन गट में जाके होता है इट एक्टिवेट इन द एलकेलाइन गट ऑफ इंसेक्ट एक्टिवेट इन एलकालाइन गट ऑफ इन्सेक्ट एक्टिवेट्स इन एलकालाइन गट्स ऑफ इन्सेक्ट बीटी टॉक्सिन

कौन सा क्रॉप है और टारगेटेड पेस्ट पहले पे ना है ना कौन सा क्रॉप है टारगेटेड पेस्ट ठीक है क्रॉप हैविंग क्राइजी कुछ नहीं चाहिए उसको वैसे तो वैसे फंगीसाइड हो सकता है जरूरत पड़ सकता है उसको बट ठीक है मतलब हाइपोथेटिकली यही आंसर होगा बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्या करता है भैया कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट कैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है मतलब इंटेस्टाइनल जो उसका गट है वो गट फट जाता है तो तो कॉटन बॉलवॉम और तुम्हारा कॉन बोरर दोनों पे सवाल आया हुआ है क्राई वन एसी और क्राई टू वन ए बी और कॉर्न बोरर कॉर्न बोरर तुम्हारा आ गया क्राई वन ए बी इस पे सवाल आया हुआ है ठीक है कॉर्न बोरर हो गया तुम्हारा क्राई वन ए बी क्राई टू ए बी इन क्राई वन ए बी प्रोड्यूस्रोल कंट्रोल्स, प्रोड्यूसर टॉक्सिन दैट कंट्रोल कॉटन वॉल और कॉर्न बोरर अभी बता दिए क्राई वन ए बी तुम्हारा ये और क्राई टू ए बी तुम्हारा कॉटन तो दोनों के लिए आ गया ना अच्छा क्वेश्चन को घुमाया देखो which of the following nematodes infect the root of tobacco plant mylodizine in cognicia देखो बेटा ये वाला आप ध्यान से सुनना rna इंटरफेरेंस है यहाँ पे ठीक है तो होता क्या होता क्या है यहां पे कि ये नेमेटोड है ये टोबैको प्लांट पे अटैक करता है और इट लीस्ट टू हेरी रूट इन टोबैको प्लांट ठीक है तो हम क्या करते हैं हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जीन डालते हैं तो इससे क्या होगा ये दोनों कॉपी बनेगा सेंस और नॉन सेंस ठीक है ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इससे क्या होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो साइलेंसिंग ऑफ आरएनए होगा और जब साइलेंसिंग ऑफ आरएनए होगा तो नो प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है जब साइलेंसिंग ऑफ आरएनए होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो माइलो डिजाइन इनकोग्निशिया आगे और देखो बेटा अ नोवेल स्ट्रेटजी आरएनए इंटरफेरेंस यूज करता है इसमें है ना आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं ठीक है रेजिस्टेंस अगेंस्ट निमोडोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयिंग आरएनए इन किसमें टोबैको ठीक है आरएनए इंटरफेरेंस नॉट का इंटरफेरेंस आरएनए आई इंटरफेरेंस है ना आर एन ए टेक्स प्लेस इन ऑल यू कैरियो एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस ऑफ सेल्यूलर डिफेंस में होता है यूज होगा ना डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बनता है ठीक है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है साइलेंसिंग ऑफ नेटोड ट्रांसपोजन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम ट्रांसपोजन कहते हैं ठीक है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है इसको हम हैं जंपिंग जीन भी कहते हैं उसको ठीक है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू हैज बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड इट्स प्रोड्यूस लॉस एज क्या करेगा ठीक है बैंड बज गया मेरा बज गया फिर मेरा डर डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग बोवाइन इंसुलिन अच्छा कॉज है तो इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन ठीक है एंड इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो दोनों है बोध बी एन सी बट मोर एप्टी ऑल ऑफ क्योंकि यह नहीं है ठीक है तो मोर एप्ट बी टू पॉलिपेप्टाइड आर लिंग टूगेदर बाय डाय सल्फाइड बॉन ट्वेंटी प्लस थर्टी डिमूव सी चेन रिमूव होता है प्रो इंसुलिन द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज वॉज रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम वाय टिंग इंसुलिन मेच्योर फॉर्म रिमूवल ऑफ सी पेट फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन यही होगा ना असेंबल टू मेच्योर फॉर्म सीपेपटाइड फॉर्म प्रो इंसुल होगा ना ये ठीक है ये भी गलत है विच फॉलोइंग कंपनी एली ली ली थी नाइनटीन एटी थ्री में ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मेनिपुलेटिंग जीन इज कॉल्ड जीन थेरेपी फर्स्ट टाइम एडीनोसिन डी एमाइने के लिए ना सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी स्किड। जीन थेरेपी एडिनोसिन डी कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बट दोनों क्यूरेटिव नहीं होता ठीक है देखो इसमें क्या क्या लिखा है एनसीआरटी ध्यान से सुनो पहले इसने लिखा क्या क्या चीज है पहले इसने लिखा बोन मैरो ट्रांसप्लांट ठीक है दूसरा फिर इंजाइम रिप्लेसमेंट इंजाइम रिप्लेसमेंट में इसने बोल दिया कि एंजाइम रिप्लेसमेंट बोल कि फंक्शनल एडीए एंजाइम डाल देंगे ठीक है ये परमानेंट नहीं है परमानेंट क्यों नहीं है ठीक है फिर क्या बोला दूसरा कि लिम्फोसाइट्स को एडीए जीन के साथ हम ग्रो कर देंगे ठीक है पहला ये और दूसरा बोला कि अगर हम ये जीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालते हैं तो ये परमानेंट है ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट है तो एडवांटेज ऑफ बिगनिंग जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ तो यही हो गया कि परमानेंट क्योर हो जाएगा परमानेंट क्योर हो जाएगा द सेल बीइंग एक्सट्रीमली यंग आर मोर रिसेप्टिव टू जीन थेरेपी ठीक है मॉलिक्युलर डायग्नोसिस विच ऑफ दनवी वाई यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस नॉट रेलिवेंट क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हमको नहीं मिल पाता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज हमको नहीं मिल पाता विचा तो फॉलोइंग मोलिक्यूर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज टू तो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन एट इट्स अर्ली स्टेज अर्ली स्टेज में हम क्या कर सकते हैं पीसीआर से निकाल सकते हैं या एलाइजा से निकाल सकते हैं इंजाइम लिंक इम्यूनोस्पॉसॉलबेंट ऐसे याद रखना एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन होता है ठीक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी होता है और यहां पे हम सदन ब्लॉटिंग यूज करते हैं डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं ठीक है सदन ब्लॉटिंग यूज करते हैं। वाई पीसीआर इज यूज सारा ही हो गया ना हुँ?

आंसर क्या हो जाएगा दो सौ बारह पेन नंबर को देखो एन सी आर टी खोलो दो सौ बारह पेन नंबर पता चलेगा आंसर ना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एक सेकंड एनसीआरटी बोलता है कितने बार भी पढ़ लोगे मैं तुम्हें बार बार पढ़ाऊंगी दो सौ बारह क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ एन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन फॉर डिटेक्शन

टेक्निक यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इज नोन एज पीसीआर विच आर द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एलाइजा इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे है ना एनिमल हु डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पॉजिट ट्रांसजेनिक एनिमल होता है ये ठीक है ट्रांसजेनिक एनिमल होता है दो एनिमल हुआ विच आर फॉरन डीएनए इन ऑल इज 95 माइस 95 परसेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस कैन बी यूज्ड टू स्टडी सब कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज दीज डिजीज आर कॉल्ड सब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक ह्यूमन प्रोड्यूसर्स इम्फाइसेमा एल्फा वन एंटीट्रिप्सिन ट्रिप्सिन तुम्हारा इम्फाइसेमा के लिए था ठीक फर्स्ट ट्रांसजेनिक नाइनटीन एंटी सिक्स था ना रोजी नाम था ना

एल्फा लैक्टेल ब्यूमिन नॉट बीटा यूमेन एल्फा लेक्टेल ब्यूमिन ठीक है यूमेन इंडस्ट्रीज टू पॉइंट फोर ग्राम प्रोटीन इंडस्ट्रीज टू पॉइंट फोर ग्राम पर लीटर टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन पोलियोवैक्सिन वैक्सीन सेफ्टी में देखो क्या था ट्रांजिनिक माइस आर यूज टू टेस्ट फॉर पोलियोक्न सी आर टी लाइन ठीक है दैश एनिमल्स आर मेड टू कैरी जीन्स विच मेक्स दैम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिकेन नॉन ट्रांसजीनिक एनिमलिक एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी अब देखो यहां पे बेटा ना जी अब देखो यहाँ पे बड़ा नाटक है सुनो ध्यान 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 से सुना ध्यान से से मेरी मेरी बात बात अब ना यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत है अब एक थोड़ा दिक्कत है पता है एक चीज तुमको दिखाता हूं मैं एक चीज तुमको मैं दिखाता हूं अगर तुम जी सर्च करोगे जैसे गूगल पे तुम जाओ और जीईएसी -E सर्च करो ठीक है तो तुमको दिखेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ठीक है तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है जीएसी का वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ठीक है एनसीआरटी में लिखा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ठीक है अगला जो एनसीआरटी का उसमें चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग

डैश पेटेंट इज ग्रांटेड ना पेटेंट ग्रांट करते हैं हम उसको जिसको जो अपना डिजायर्ड है ठीक है बायो पेटेंट मीन सब कुछ दोनों के लिए ना एप्लीकेशन प्रोसेस भी यूज कर सकता है और राइट ऑफ इन्वेंशन भी अपने पास रिजर्व कर सकता है uh, बासमती राइस नाइनटीन नाइनटी ठीक है बासमती राइस के लिए यूएस पेटेंट न ठीक बायो एथिक्स सब कुछ आ गया ना प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कॉमर्सेशन बायो एथिक्स बायो एथिक्स दो सौ चौदह दो सौ चौदह बायो एथिक्स सारा ही हो वैसे तो ठीक एक्सप्लाइटेशन बायो पायरेसी ठीक है और बायोमोलिक रिगार्डिंग बायो रिसोर्स एक्सप्लॉर्टेशन है ना ठीक है एक दो पॉइंट यहां पे लिख लो जो एनसीआरटी का है एक दो पॉइंट यहां पे कि इंडियन, इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था सेकेंड अमेंडमेंट का इंडियन पेटेंट बिल ठीक है अब तुम बता दो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में तुमको लो है ही तो यहां पे लो टेकन बाय इंडियन पेटेंट बिल ठीक है ठीक बासमती राइस कहां कंटिन्यू होता है आपका सत्ताईस वैरायटी इंडिया में ठीक है अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट विच कॉन्सेप्ट डू यू वांट अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बता देना ठीक है क्या वेक्टर के बारे में पढ़ने में दिक्कत है ठीक है डीएनए डीएनए समझ नहीं आया ठीक है तो कॉन्सेप्ट बता दोगे तो मैं वो कॉन्सेप्ट करा दूंगा ठीक है पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन ठीक है ठीक है कमेंट सेक्शन में डे थ्री कंप्लीटेड डाल दो कल की क्लास में मिलते हैं टेक केयर बाय बाय कल का कॉन्सेप्ट मैं शेयर कर दूंगा बेटा आज लेट हो गया था ना आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैंने सुबह सुबह क्लास ली ना ताकि आज तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट शेयर कर दूँ कल वाला भी कॉन्सेप्ट मैं भेज दूंगा ठीक है चलो मिलते हैं टेक केयर बाय वन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू